हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूँ आपका अपना शशांक सर जी। हाँ, लेखपाल की हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल की तैयारी हम लोग करते हैं UP SSSC के द्वारा, क्योंकि अब देखिए आपका लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो इसकी तैयारी को कस के शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्विज कर रहे हैं जो कि परीक्षा में पिछले पूछे गए सवालों के आधार पर। तो देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखिए तो कम से कम आपने 200+ क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किए हैं तो वो वहाँ पर पिछले वीडियोस के साथ साथ डेली 1 बजे आकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो पहला सवाल है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। सिंपल सा सवाल है, पूछा गया भाबर जो मिट्टी है वो अधिकतर कहाँ पाई जाती है, ये है सवाल। तो चलिए इसी तरीके से सवालों को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था, लेखपाल, लिपिक या फिर काजी। ईजी है, जल्दी से बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है। टाइम आप, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखपाल। तो उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण अधिकारी कौन होता है, लेखपाल होता है। और वहीं अगर बात की जाए राज्यपाल के बारे में तो एक चीज जरूर याद रखिएगा कि इनसे संबंधित एक आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आर्टिकल 153 से लेकर के जितने भी आगे के आर्टिकल है वो सब किससे संबंधित है, राज्यपाल से। ठीक है, और राज्यपाल किससे संबंधित होता है, राज्य से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, आप बता दी जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। भावर क्षेत्र के बारे में पूछा गया है आपसे, एंड टाइम अप। तो देखिए यहां पर दलदली तो हो नहीं सकता था। ठीक है, पहले इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से आप देखो, कंकरीली और पथरीली भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भावर क्षेत्र की थी। ठीक है, अब बचे क्या, केवल दो ऑप्शंस। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महीन जलोढ़ मृदा आपकी भावर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देश के कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति पूछी गई है वो कितने प्रतिशत है जो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए, जितने प्रतिशत हमारे यहाँ पे कृषि का क्षेत्र है उतने ही प्रतिशत श्रम शक्ति भी लगी होगी। एंड टाइम आप, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56% जनसंख्या जो है आपकी वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। ठीक है, अब देखो कृषि क्षेत्र कुल कितना क्षेत्र का प्रतिशत है आपका, तो यहाँ पे लगभग लगभग 60% क्षेत्र क्या है आपका, कृषि क्षेत्र है। लेकिन ये 60% का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद कर लो 159 या 160 मिलियन हेक्टेयर। तो ये है आपका कृषि क्षेत्र जो पूरे भारत में समाप्त है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है, ये पूछा गया है कि श्रम की जो उत्पादकता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सबसे अधिक है। तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पर मेरठ आएगा आपका, इसके अलावा आगरा, आगरा का भी नाम सुना होगा। तो ये जितना भी आसपास का क्षेत्र है या फिर मान लीजिए अलीगढ़, ठीक है, तो ये जितना भी क्षेत्र है ये सब किस में आते हैं आपके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और वहीं बुंदेलखंड में ललितपुर और झांसी जैसे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, चलिए इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, ये पूछा गया है, तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। कन्फ्यूजन केवल दो ही ऑप्शन में से हो सकता है, एंड टाइम आप, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चावल। यानी जो धान है आपकी उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूध, गेहूं और आंवला, और आंवले के लिए तो सबसे मशहूर जगह आपको पता ही होगी, क्या नाम है उसका, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा मशहूर है आपका किसके लिए, आंवले के लिए। तो चावल में फिर नंबर 1 पे कौन है अगर उत्तर प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पे प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पे है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया, तो देखिए सीधी बात है वो आज़ादी के समय पे पारित किया गया, लेकिन ऑप्शंस बहुत क्लोज में है, तो इसको बताइए सोच के यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 1953 में उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम लागू किया गया, चकबंदी से जो छोटे छोटे खेत थे उन्हें बचाने के लिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दो फसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा कितनी है, ये पूछा गया है, तो जल्दी सोच के बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहां पूछा क्या गया था, दो फसली सिंचित कृषि जोत, ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 5 हेक्टेयर। भाई हमारी उंगलियों में संख्या कितनी होती है, उंगलियों की 5, और वैसे ही 5 हेक्टेयर। अब देखो 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ होता है आपका, तो आप यहां पे क्या जवाब लिखेंगे, तो यहां पे जवाब हो जाएगा 2.5, यानी कि ढाई, यानी कि हमारा 5 का आधा, ठीक है, अब इसे याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, स्तरीकरण को कायम करने के लिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया, मेरी गलती का देखिए फिर से वही आंसर होगा, आजादी के आसपास ही किया गया है, राइट, तो अब यहां पूछा गया एग्जैक्ट डेट, वो आपको चुननी है। एंड टाइम अप। तो देखिए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 1951, यानी 1951 में आपके लिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को लागू किया गया, और इसी 1951 में हम लोग एक चीज और पढ़ चुके हैं, वो क्या है, भूदान आंदोलन भी कब शुरू किया गया था, 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। तो देखिए जितने भी जमीन से जुड़े हुए आपके यहाँ पे क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साग भाजी शोध संस्थान, काफी कठिन लग रहा होगा, सीधे सीधे भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है, अब बता दो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए जहां का पान मशहूर है वहीं की सब्जी भी मशहूर है, तो आंसर क्या होगा, वाराणसी। अब देखो भारतीय साग भाजी शोध संस्थान, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, IIVR, क्या फुल फॉर्म हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, फिर से इसको दोहरा देते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च, तो ये फुल फॉर्म हो गया किसका, IIVR का, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पूछा गया है कि जो प्रथा के अंतर्गत हम लोग जो श्रम करते थे पहले, कि पहले माता पिता करेंगे फिर उसके बाद बच्चे भी वहीं पे आपका काम करेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, ये सवाल पूछ रहा है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जजमानी प्रथा के अधीन इसको कहा जाता था, ठीक है, जजमानी का यहाँ पे अगर कह सकते हैं तो ये मॉडर्न स्लेवरी यानी आधुनिकतम गुलामी कही जा सकती है, ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जजमानी प्रथा किसका रूप है, तो ये मॉडर्न स्लेवरी यानी आधुनिकतम गुलामी का स्वरूप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता पूछा गया है, ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है, सस्ता वही होगा जिसमें बिजली नहीं लगेगी, अब जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, नहर, तो नहर सबसे सस्ता और मुख्य साधन है, लेकिन अब देखिए ट्यूबवेल जो है ये पहले स्थान पे आता है, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में सिंचाई के माध्यम के लिए, और वहीं नहर कौन से स्थान पे आती है आपकी, दूसरे स्थान पे आती है, ट्यूबवेल लगभग मानिए 45% हिस्से की सिंचाई भारत में ट्यूबवेल के द्वारा होती है, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। चलिए इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है, जल्दी सोच के बताइए अगर आपको 2 का पहाड़ा आता है तो। टाइम अप। तो यहां पे 1 एकड़ में पूछा गया है वर्ग गज, राइट, तो यहां पे आपको केवल क्या देखना था कि जो 2 से विभाजित हो पूर्ण रूप से वही क्या हो जाएगा, यानी 48-40 आपका क्या है वर्ग गज, किसमें, 1 एकड़ में, और वहीं इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ होता है, लगभग 2.5 एकड़ होता है आपका 1 हेक्टेयर में, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारिता विभाग के संगठन का मुख्य दृष्टिकोण क्या था, मतलब जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाया गया वो क्यों बनाया गया, ये पूछा गया, जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों के उद्देश्य, कौन कौन से दोनों, कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा, ये तो ऑब्वियस सी चीज थी, और वहीं उसके अलावा निर्बल और निर्धन वर्ग को भी उठाना, नंबर 1 पहले कृषक को फोकस करना और दूसरा फिर गरीबी के स्तर को भी उठाना, कहां कहां पर, ग्रामीण के साथ साथ शहरी जनता के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, भू कृषि पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी सोच के बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ भूलेख नहीं है, भू कृषि है। फिर से दोहरा रहा हूँ, चलिए टाइम आप, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरदावरी आपका भू कृषि का रिकॉर्ड होता है। मतलब कितनी फसल का उत्पादन हुआ ये आप किस में लिखते हो, ये लिखते हो गिरदावरी में, ठीक है। और वहीं खतौनी क्या होता है आपका, तो ये होता है भूलेख, यानी कितनी जमीन है आपके पास। फिर से दोहरा रहा हूँ, गिरदावरी में आप ये बताते हो कि कुल कितनी फसल की उपज हुई, इसे हार्वेस्ट इंस्पेक्शन कहते हैं। और वहीं खतौनी को हम लोग भूलेख के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग हिंदी के सवाल। तो पहला सवाल है आपके लिए जूते चाटना, इजी रहेगा, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप, तो देखिए यहां पर सी ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी जूते को चमकदार बनाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन खुशामद करना जरूर क्या कहा जाता है आपका, जूते चाटना, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये पूछा गया है, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप, तो देखिए यहां पर अगर आप देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो ये अगले साल यानी अगले साल के बाद मे भी, तो यहाँ पे एक विभक्ति का चिन्ह है, तो उसी के कारण यहाँ पे कौन सा कारक लगेगा आपका, अधिकरण कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, जल्दी सोच के बताइए, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। टाइम अप, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि मैं खाना खा चुका था, तो चुका था तो यहाँ पे कौन सा भूत आएगा आपका, पूर्ण भूत आएगा, जो कि भूतकालिक भेद है, ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य फल का ज्ञात होता है, बहुत ही ईजी है, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, ए, तो ए आपका कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका गा लगा हुआ है या फिर गी लगा है या फिर गे, तो 100% वाले चांसेस हैं कि वहाँ पे कौन सा काल होगा आपका, भविष्य काल होगा, ये ट्रिक जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये अब आपका अगला सवाल है, ऊँट के मुँह में जीरा, ईजी है, जल्दी से बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। टाइम आप, तो मेघा से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल ही गया होगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, उसी को क्या कहा जाता है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो मेघा से यहाँ पे आपके आज आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक से हम लोग सब्जेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।